चलिए मुंह खोलिए, आप सुबह भी बिना कुछ खाए पी आ गए थे। नेहा नेहा नेहा, मेरे लिए लंच बना दो यार। अरे यार, मैंने खुद नहीं सुबह से कुछ नाश्ता नहीं किया है, आपके लिए लंच कहाँ से बनाऊं मैं? जब देखो जब काम बताते रहते हो। तो आज मैं क्या ऑफिस बिना लंच के जाऊंगा? तो बिना लंच के रह जाओ, मुझे इससे क्या मतलब है? तुम्हें पता है मैं कितनी ज्यादा थक गई हूँ, रात को 3 बजे आई हूँ पार्टी में जाके, मुझसे नहीं बन रहा खाना वाना, जाओ तुम यहाँ से। और प्लीज जाते रहते गेट अच्छे से लॉक कर जाना। अरे वाह, आज तो खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। अरे सर आप, सर अभी लंच में हम सब आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? नमस्ते साहब। नमस्ते। वो क्या, आज मैं लंच लेके नहीं आया था, तो अभी बाहर जा रहा हूँ खाने। तो सर आप बाहर खाना खाने क्यों जा रहे हो? हमारे साथ खाओ ना, मेरी बीबी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अरे नहीं नहीं, तुम लोग खाओ, मुझे आज वैसे भी भूख नहीं है। अरे सर आइए ना, वैसे भी मैं एक्स्ट्रा खाना लेकर आई थी। सर वो क्या है ना, सुबह कुछ खाकर नहीं आए थे ना, इसीलिए। चलो ठीक है, तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं साथ में खा लेता हूँ। आइए सर बैठिए। चलो ठीक है, तुम लोगों के साथ खाना खा के अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा ना, आज सर अपने साथ खाना खाए। अच्छा ठीक है जी, मैं चलती हूँ। और हाँ टाइम पे घर आ जाइएगा। अच्छा सुनिए, इधर आइएगा एक बार। हाँ क्या हुआ? सुनिए जी, मुझे 20 रुपए दे दीजिए ना। क्यों क्यों चाहिए 20 रुपए? वो क्या है ना, बाहर बहुत धूप है तो मेरी रिक्शे से चली जाती। पैसे तो नहीं है मेरे पास। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं पैदल चली जाती। चलो ठीक है, पर आराम से जाना। राहुल इधर आओ। हाँ सर क्या हुआ? ये लो, ये पैसे तुम्हारी वाइफ को दे के आओ। अरे नहीं नहीं सर रहने दो। अरे रखो तुम, जल्दी जाओ इससे पहले कि वो निकल जाए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सैलरी मिलते ही मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम एक बार मेरे पास आके बैठो। जी सर। तुम्हें पता है तुम ना बहुत लकी हो कि तुम्हें इतनी प्यार करने वाली वाइफ मिली है। तुमने कहा तुम्हारे पास 20 रुपए नहीं है, वो इतनी धूप में भी पैदल जाने के लिए तैयार हुई। सर ऐसी है मेरी वाइफ, शादी को 3 साल हो गए, ना ही तो उसने आज तक कोई डिमांड करी ना कोई शिकायत की। सर 10,000 रुपये सैलरी मेरी, बहुत कम पैसे होते ही है, फिर भी सर इतने से पैसों में वो खुशी खुशी घर चला लेती है। यार मनीष तुम अच्छे से जॉब नहीं कर सकते क्या? 50,000 रुपए में क्या होता है आजकल? जब तुम मेरे खर्चे नहीं उठा सकते थे तो शादी करना जरूरी था क्या? सर घर चलाने में तो एक्सपर्ट है, अगर मैं उसके हाथ में 1,000 रुपए भी दे दूंगा ना, उसमें भी वो पूरा महीना चला लेगी, आज तक उसने एक भी डिमांड की हो। मेरे फ्रेंड्स के पति लाखों रुपए कमाते, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते उन्हें, और एक तुम हो जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना रखी है। सर आज तक मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया और ना ही उसने कभी कोई डिमांड की। अगर ऐसा जीवन साथी मिल जाए ना तो जीवन में कोई चाह ही नहीं रहती। ये लो इसमें नया घर खर्च। ये इतने से पैसे, इनमें घर खर्च चलेगा क्या? इतने से पैसों में मेरी एक अच्छी सी ड्रेस भी नहीं आएगी, तुम ही रखो इन्हें। सही कह रहे राहुल, तू जरूर तुमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो तुम्हें ऐसी वाइफ मिली।